आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं गूगल सीट। तो हमारी जो ट्रेनिंग चल रही है गूगल सीट पे चल रही है, और आपने मुझे वो प्रॉब्लम एक फॉर्म बना के भेजा है। विजय जी मेरे साथ है। विजय जी कहाँ पे भेजा आपने? शेयर किया है, मैंने एक शेयर मिनट, किया गूगल ड्राइव हाँ पे ही मैं शेयर शेयर आया विथ है। मी में जाता हूँ और देखता हूँ कि आपका फाइल आया है नहीं। फॉर्म ही लिखा है मैंने। ये आ गया आपका। तो कोई अगर कोई शेयर करता है तो यही है, तो नहीं ये नहीं है सर, स्टार वार आ गया। नहीं आपकी तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे। आपने किस ईमेल आईडी पे किया? सुजीत कुमार डॉट ipt@gmail.com। आपने दूसरे आईडी पे कर दिया। वो आईडी फिलहाल में लॉगिन नहीं है, वो आईडी अलग है सर, वो तो सिर्फ इंक्वायरी के लिए है। क्लास से आपको मेल किया था, डेमो क्लास वो है ipt@dehli123@gmail.com। दीजिएगा ठीक है। gmail.com। कोई चलिए बात आगे नहीं, बढ़ते फिर से भेज दूंगा। हैं। मैं ड्राइव को लॉगिन करता हूँ ताकि हम क्रिएट कर सके नया फॉर्म, नया सीट। तो न्यू पे जाके हम एक नई सीट को यहाँ से, तो हमने लास्ट क्लास में एडिट कर लिया था, एडिट रिव्यू इंसर्ट सर था मेरा। इंसर्ट में हमारा फंक्शंस रह गया था, राइट? हाँ सर फंक्शंस जैसे बताया था, हम आपको बाद में बताएंगे। ये आपका फॉर्म भी रह गया है ना, हाँ फॉर्म भी बाकी तो है। फॉर्म भी आपका अलग टॉपिक है, गूगल फॉर्म कहलाता है। तो ये भी आपका अलग टॉपिक है। तो ये दो टॉपिक हम आपको इस इंसर्ट शीट से बाद में कराएंगे। सर करते हैं फॉर्मेट की। फॉर्मेट का टॉपिक ही आपका था जो कि आपको करना है। तो चलिए आज फॉर्मेट की टॉपिक आपके सामने डिस्कस करते हैं। फॉर्मेट मतलब जैसे कि हमने आपको बताया था एक फॉर्म को बनाना, तो उस फॉर्म में किस तरह से हम फॉर्मेटिंग करेंगे उसके बारे में था। हालांकि फॉर्मेटिंग के टूल्स आपको बाहर ही दिए हुए हैं, लेकिन इसके अलावा हम यहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे कोई हेडिंग लिखता हूं, मैंने लिखा नेम, मैंने लिख दिया सिटी, मैंने लिखा मोबाइल और अमाउंट। इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। अब मान लीजिए मुझे इसको बोल्ड करना है, तो मैं यहां से भी बोल्ड कर सकता हूं। मुझे अंडरलाइन करना है तो इसलिए अंडरलाइन अलग होता है, कंट्रोल यू इसका शॉर्टकट होना चाहिए। हाँ कंट्रोल यू इसका शॉर्टकट है अंडरलाइन का। अदरवाइज फॉर्मेट में भी ये चीज दी गई है कि बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, स्टिक थ्रू लाइन कर सकते हैं। फॉन्ट की साइज अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, इसको अलाइन कर सकते हैं कि भाई इसको सेंटर में अलाइन कर देता हूँ, या फिर अगर मान लीजिए कि अगर ये बड़ा है आपका तो इसको आप यहाँ से भी अलाइन कर सकते हैं। अलाइन यहाँ भी होता है, ये दिख रहा होगा आपको, लेकिन इसमें सिर्फ लेफ्ट राइट है। लेकिन आप चाहो तो यहाँ से देखिए अलाइन कर सकते हैं कि मिडल में आ गया, ठीक है ना, बॉटम डाउन। हाँ ये सर चीज भी सेम आपकी फॉर्मेट में है, अलाइन में है। ये आपका कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल शिफ्ट ई, कंट्रोल शिफ्ट आर इसके शॉर्टकट्स हैं। और ये आपका टॉप, ओके आपका मिडल हो गया, ये आपका बॉटम हो गया जो कि यहाँ पे था। अब मर्ज सेल, तो मर्ज सेल की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे कि अगर मैं इसको सेलेक्ट एक नया मैं ऐड करता हूँ, मैं या फिर मैं इसको उठा के नीचे ले आता हूँ, यहाँ पे मुझे एक हेडिंग देना है, तो इसको सेलेक्ट करके आखिर मैं मर्ज यहाँ से भी कर सकता हूँ मर्ज। और यहाँ पे मैं लिख दिया डेली, कोई एक स्लोगन लिखना है कि डेली रिपोर्ट, ठीक है। ओके तो मर्ज इसके लिए करते हैं। अब इसमें हम मान लीजिए मुझे इसकी साइज बढ़ानी है, तो मैं यहाँ से साइज बढ़ा सकता हूँ कि मैं 18 कर देता हूँ, या मैं ज़्यादा करना चाहता हूँ 24 कर देता हूँ। और इसको अंडरलाइन करना चाहे तो कंट्रोल यू करके अंडरलाइन कर दे। उसके बाद ये आपका मर्ज था। तो आप फॉर्मेट में भी यहां से भी मर्ज कर सकते हैं मर्ज से। तो एक मर्ज ऑल होता है, एक मर्ज हॉरिजॉन्टल होता है। मर्ज हॉरिजॉन्टल मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आपने फॉर्म बनाया था, तो फॉर्म बनाने में आपने लिख दिया यहाँ पे नेम,
तो ये नेम के लिए तो छोटा जगह है, आप चाहते हैं कि दो तीन से इसको सेलेक्ट से मर्ज हो जाए। इसी तरह से आपके ओके सर, यहाँ पे नेम हो गया, यहाँ पे हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं और सबके लिए आपको ये तीन चार कॉलम को मर्ज करना है वन बाय वन, क्योंकि इकट्ठे सेलेक्ट करके मर्ज करेंगे तो एक ही बन जाएगा, लेकिन आपको इस तरह से मर्ज करना है लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन, ठीक है। इसको हम सेलेक्ट कर ओके सर, सब करेंगे और यहाँ हम जाते हैं डेटा में, इंसर्ट, इंसर्ट नहीं फॉर्मेट, फॉर्मेट में हम यहाँ आके कर देते हैं मर्ज और जेंडर, ठीक है। ओके सर, ये मर्ज और जेंडर समझ में आ गया। हाँ सर। टेक्स्ट रैपिंग, अभी क्या टेक्स्ट रैपिंग, मान लीजिए मैं अपना नाम लिखता हूँ सुजीत कुमार, आप ग्लोबल रैपिंग है, मतलब कि अब ये पूरा इसमें आटा नहीं थी बाहर जा रहा है ना सर, ये पूरे इसमें आया नहीं। हाँ सर। चल रहा है, तो यहां पे आप इसमें फॉर्म में जाके आप यहां से रैप कर सकते हैं, रैप इसका यहां से भी कर सकते हैं, तो टूट के नीचे आ जाए, ठीक है। तो टैक्स रैप और okay, कर देंगे तो छुप जाएगा। तो तीन चीजें है, एक का रैप, दूसरा है ओवरफ्लो और तीसरा है क्लिप, आपको यहां भी दिख जाएगा, ओवरफ्लो रैप एंड क्लिप। ओके सर, फॉर्मेट। अब आती है टैक्स रोटेशन, जैसे कि अब यहां पे मान लीजिए मैं पूजा लिखता हूं और इसको मैं यहां से रोटेट कर सकता हूं कि वो किस तरह से रोटेट करना है। ओके सर, टेक्स्ट रोटेटिव रोटेशंस है और यहां से एंगल ला सकते हैं, किस कितने की डिग्री के एंगल पर आपको रोटेट करना है। ओके, अब इसमें एक आपका आता अल्टरनेटिव, इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग आता, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में जानते हैं। फॉर्मेट कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अब यहां पे होता है सिंगल कलर या कलर स्केल, स्केल भी कर सकते हैं आप यहां पे। तो सिंगल कलर की हम बात करते हैं पहले। ओके सर, यहां आपके रेंज हो गया, ये आ गया रूल्स, रूल्स में हमने इज नॉट इंपर्टी, यहां पे दिखा इंपर्टी मतलब कि ब्लैंक से, नॉट इम्पेटिव टेक्स्ट कंटेन ब्लैंक, टेक्स्ट कंटेन मतलब मैंने बोला कि इसमें कोई ऐसा वर्ड हो जो मैच हो, तो हैलेट, जैसे मान लीजिए कि इसमें सिटी दिखा हुआ है, सिटी में कहीं पे न्यू दिल्ली है कहीं पे दिल्ली है, मुझे दिल्ली को हाईलाइट करना है, तो मैं चाहता हूँ कि दिल्ली वाला और न्यू दिल्ली वाला दोनों हाईलाइट हो जाए, तो टेक्स्ट दैट कंटेन कर देंगे। तो इसको हम तो कल जो है आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, कल का टॉपिक ही रहेगा हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्योंकि एक्सेल में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां भी अच्छे खासे इसकी यूजेज हैं। ओके सर, ओके सर, अल्टरनेट कलर में होता है कि एक कलर होगा एक कलर नहीं होगा, ठीक है। ओके सर, ओके, कलर अब इसमें कौन कौन कलर होने चाहिए, एक एक व्हाइट है और दूसरा कलर क्या होना चाहिए, मान लीजिए मैंने बोला कि भाई ब्लू होना चाहिए पहले हीडर, तो हीडर आपका ब्लू हुआ और इसके बाद हमने बोला कि येल्लो होनी चाहिए, तो येल्लो ब्लैक ले ब्लैक, फुटर हमने आपका ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। ओके सर, वैसे मान लीजिए कि मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, फर्स्ट सेलेक्ट करता हूँ और इसमें हमने ए अप्लाई कर दिया, सॉरी फॉर्मेट अल्टरनेटिव कलर कलर ले लिया हमने, और यहां पे हमने बोला कि पहली कलर होनी चाहिए ब्लू और फुटर होना चाहिए ग्रीन और एक कलर जो होना चाहिए येलो,
अल्टरनेटिव इसका यूज क्या होता है, होगा सर? यूज डेटा में होता है, टेबल वगैरह में। ओके सर, टेबल टेबल में में यूज यूज होता है, होगा। टेबल में। ठीक है, ओके सर, और क्लियर फॉर्मेटिंग मतलब जो सिलेक्टेड एरिया है उसकी सारी फॉर्मेटिंग क्लियर कर दी जाए, इट मींस फॉर्मेटिंग हट जाएगी। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ, फॉर्मेटिंग में फॉर्मेट क्लियर कर देगा। ओके सर, ठीक है, ओके सर, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कंडीशन। ओके सर।